हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिंपलीफिकेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं मैथ में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अंडर रूट के अंदर पॉइंट के बाद है 0 0 0 2 5 6। दोस्तों, हमें पता है 2 5 6 जब रूट के बाहर आएगा तो इसका क्या आएगा? हमें पता दोस्तों 16। 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, ठीक है दोस्तों। रूट के बाहर जब आएगा तो हमें पता 16 आएगा। लेकिन अब पॉइंट देखेंगे राइट साइड से कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, राइट साइड से 6 डिजिट छोड़ के है, तो हम 3 डिजिट छोड़ के आंसर लगाएंगे। इसके आगे लग जाएगा 0 और 1 पॉइंट, ठीक है दोस्तों। ये बात को समझो, अगर रूट के अंदर पॉइंट लगा हुआ है राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ के, तो रूट के बाहर आएगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पे राइट साइड से 3 डिजिट के बाद था तो हम 6 डिजिट के बाद था, अब यहाँ पे राइट साइड से 6 डिजिट के बाद था तो हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। हमारे पास 16 256 का स्क्वायर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो हमें पता है 256 का 16 आ गया, लेकिन यहाँ पे 6 डिजिट थे पॉइंट के बाद, तो हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट वाला लेंगे, हमें 0 अपने आप से लगानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आ गया 0.16, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। ये अंडर रूट के अंदर 4 वैल्यू दे रखी है, सबका आंसर प्लस में निकालना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो वन ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हमें पता है राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। पहले वाला रूट सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखो, 81 दोस्तों हमें पता है 9 का होता है स्क्वेयर। अब राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो हम 1 डिजिट छोड़ के लगाएंगे जो कि ऑलरेडी 9 ही है। अब देखो दोस्तों, 121 हमें पता है 11 का स्क्वेयर होता है, और रूट हटाएंगे तो 11 आ गया, लेकिन राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के लगा हुआ है, तो हम 1 डिजिट छोड़ के लगाएंगे, 1.1 हो गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, 1.1 हो गया। अब यहाँ पे 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है। अब राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है, तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो हमें अपने आप से 1 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का बेस्ट तरीका ये है दोस्तों, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते जाओ। 1.0 0.1 हो गया, 0.9 हो गया, 1 इधर आ जाएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब यहाँ आ गया पॉइंट, ये 0 और 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ऐड कर दो 3 हो गया, या 9 1 और 1, 9 और 2 11 हो गया, 1 लगा दिया, एक बच गया, 1 और 1 2, दोस्तों 2.13 आ गया हमारे पास आंसर इसका। दोस्तों 2.13 हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, हाजिर है आपके आगे एक और क्वेश्चन। दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करना है? ये तो सिंपल, प्लस में 2.3 लिखा हुआ है, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब ये रूट के अंदर 64 और 9 है दोस्तों, जब ये रूट हटेगा तो 64 का क्या आ जाएगा दोस्तों? हमें पता है 8 आ जाएगा। दोस्तों हमें पता है जब रूट हटेगा तो 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, यहाँ पे 3 आ गया, बीच में प्लस। अब यहाँ पे 16 है तो 16 का आएगा 4, हमें पता है जब रूट से 16 बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा। 25 रूट के बाहर आएगा तो इसका आएगा 5 आंसर, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व कर दो, नीचे इसका एलसीएम 15 बनेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो होगा दोस्तों 12। दोस्तों हमें पता है एलसीएम नीचे डिवाइड होता है ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 15 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 इनसे डिवाइड होगा तो बचेगा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10। दोस्तों सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 40 10 50 और 12 62 बटे में क्या होगा 15, 62 बटे 15 ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं कोई और क्वेश्चन दोस्तों, अभी हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। यदि अंडर रूट के अंदर 4096 64 है, ठीक है दोस्तों, रूट 4096 64 के बराबर है, तो ये 40.96, 0.4096 और ये ऐसे ऐसे करके वैल्यू दे रखी है, इनका मान क्या होगा? दोस्तों हमें पता है 4096 रूट के बाहर आएगा तो 64 होगा, उन्होंने बता रखा है, तो इसका आंसर उन्होंने पूछा क्या होगा सभी को सॉल्व करने के बाद। सबसे पहले दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, 4096 का हमें पता है 64 होता है। अब यहाँ पे राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, इसका ये आंसर होगा फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले का देखो, इसका भी 4096 तो 64 तो लगेगा ही लगेगा। अब राइट साइड से देखेंगे तो 4 डिजिट के बाद है, हम 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, 0.64 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसका भी 64 होगा, हमने लगा दिया। अब राइट साइड से काउंट करेंगे 4 और 2 6 के बाद है, तो हम 3 के बाद लगाएंगे, 1 0 अपने आप से लगानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब इसका देखो, 4096 तो 64 तो आएगा इसका। अब देखेंगे 4 और 4 8 डिजिट के बाद है, तो हमें 4 डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा, 2 0 अपने आप से लगानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के इसको जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 6.4.64.064.0064, ठीक है दोस्तों। 4 के ऊपर कुछ नहीं है, 4 ऐसे ही, 6 और 4 10, बच गया 1,
छः और चार 10 और एक 11, ठीक है दोस्तों, एक बच गया, 6 4 10 और एक 11 एक बच गया, फिर 6 और 1 7, ठीक है दोस्तों, 7.1104 है ऑप्शन में, हमें 2 डिजिट तक ही है पॉइंट के बाद, तो 7.11 हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।